यूपी के सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में शनिवार की सुबह मेरठ के दौराला स्टेशन पर अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के ब्रेक जाम होने के चलते यह हादसा हुआ। आग की तेज लपटों से ट्रेन के इंजन सहित दो डिब्बे जलकर राख हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन जैसे ही दौराला स्टेशन पर पहुंची उसके इंजन में नीचे से तेज आग लग गई। इंजन के पास के डिब्बों में सवार यात्रियों को पैर के नीचे से धुआं और चिंगारी निकलती दिखी तो वे शोर मचाते हुए नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ पड़े। उन्होंने अन्य यात्रियों और ड्राइवर को आगाह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की उस अपील को नाटो ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी। मांग खारिज होने के बाद शनिवार को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो पर खूब बरसे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पश्चिम का सैन्य गठबंधन यूक्रेन में होने वाली मौतों और विनाश के लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नाटो की कमजोरी और एकता की कमी मास्को के हाथों को पूरी तरह से खोल देगी। रूस हवाई हमले तेज कर देगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। ने उसे आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र से नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों की जांच व मुकदमा चलाने में तेजी लाने को कहा है। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान में 27 में से 26 बिंदुओं को पूरा कर लिया है जिसे देश को ग्रे लिस्ट में शामिल होने पर लागू किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉन का शुक्रवार को हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ। उन्होंने 52 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वॉन मैदान के अंदर जहां अपनी जादुई लेग स्पिन के चलते चर्चा में रहते थे, वहीं मैदान के बाहर वह विवादों के चलते सुर्खियां बटोरते थे। मैदान पर उनके करियर के ग्राफ के साथ मैदान के बाहर विवादों का भी ग्राफ तेजी से बढ़ता रहा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद कई बार तालिबानी नेताओं के साथ पाकिस्तान की करीबी सामने आई है। वहीं मानवीय भावना का ध्यान रखते हुए कई देश अपने स्तर पर वहां के नागरिकों की मदद भी कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को गेहूं दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर बताया जाने लगा कि पाकिस्तान ने जो गेहूं भेजा था वह बेहद खराब क्वालिटी का है और तालिबानी नेताओं ने भी पाकिस्तान को इसके लिए बुरा भला कहा है। मधुबनी के झंझारपुर के एक डॉक्टर दंपति ने अपनी बेटी को 10वें जन्मदिन पर चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीद कर गिफ्ट दी है। बेटी को दंपति ने रजिस्ट्री पेपर गिफ्ट में सौंपे। 5वीं कक्षा में पढ़ रही आस्था भारद्वाज को यह अनोखा गिफ्ट देने वाले दंपति झंझारपुर आरएस में रह रहे डॉक्टर सुरविंदर कुमार झा व डॉक्टर सुधा झा हैं। ये दोनों झंझारपुर नगर पंचायत में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज 6 जिलों की 22 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2 महिलाओं सहित 92 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके चुनावी भाग्य का फैसला इस चुनाव में होना है।